इस वीडियो में आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। संसार में सांपों की कुल 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 500 से अधिक विषैले सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि आदमी कुछ ही मिनट में मर जाता है। वहीं कुछ सांप इतने विषैले नहीं होते हैं, फिर भी इनकी दहशत से ही लोग प्राण त्याग देते हैं। तो आइए देखते हैं वो 10 सांप जो सबसे ज़्यादा घातक और जहरीले होते हैं। 1. समुद्री सांप। दुनिया का सबसे जहरीला समुद्री सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इतने खतरनाक और जहरीले होते हैं कि इसके 110 मिलीग्राम जहर से लगभग 1000 इंसानों की मौत हो सकती है। यह सांप समुद्र में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को इनसे कम खतरा होता है। इन सांपों का शिकार अधिकतर मछुआरे बनते हैं। जब उनके जाल में या फंस जाते हैं, गलती से मछुआरे इनका शिकार हो जाते हैं। 2. इनलैंड ताइपन। इनलैंड ताइपन धरती का सबसे खतरनाक सांपों में से जहरीला सांप माना जाता है। इनलैंड ताइपन सांप के एक डंक से व्यक्ति के शरीर में कम 110 मिलीग्राम जहर जाता है। क्या आपको पता है कि 110 मिलीग्राम जहर से 100 व्यक्ति और 25,000 चूहे तक मारा जा सकता है। ताइपन का जहर रैटल सांप से 10 गुना और सामान्य सांपों से 50 गुना ज़्यादा खतरनाक और जहरीला होता है। ताइपन सांपों को भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण में रहना पसंद होता है, इसलिए इनलैंड ताइपन द्वारा लोगों को काटने का मामला आज तक सामने नहीं आया। 3. ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ईस्टर्न ब्राउन सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक और जहरीला सांप होता है। ईस्टर्न ब्राउन सांप का जहर इतना जहरीला होता है कि इसके जहर का 14,000 हिस्सा भी किसी इंसान की जान ले सकता है। यह सांप ऑस्ट्रेलिया के भीड़ भाड़ वाले इलाकों के आसपास ज़्यादा पाया जाता है। ईस्टर्न ब्राउन सांप का छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान की जान ले सकता है। 4. रेटल स्नेक। रेटल स्नेक उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे जहरीला और खतरनाक सांप है। रेटल सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। रेटल सांप अब जब अपनी पूंछ को लहराता है तो यह छल्ले झुंझने की तरह आवाज करते हैं। रेटल सांप की विशेषता यह है कि उनके छोटे बच्चे बेहद खतरनाक और वयस्क सांप से ज़्यादा जहरीले होते हैं। रेटल सांप के शरीर में होम्योटैक्सिक जहर पाया जाता है, जो कि इंसानों के शरीर में मानव उत्तक को खत्म कर देता है। रेटल सांप को काटने के 10 मिनट के अंदर एंटीडोट ले लेने पर बचने के कुछ हद तक चांस होते हैं। 5. डेथ एडर। डेथ एडर सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाने वाला बहुत ही खतरनाक सांप है। डेथ एडर की खास बात यह है कि यह ज़्यादातर सांपों का ही शिकार करता है। डेथ एडर सांप बहुत तेजी से हमला करता है। डेथ एडर सांप 40 से 100 मिलीग्राम तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ देता है और यह 13 सेकंड में ही दोबारा हमला करने की क्षमता रखता है। डेथ एडर सांपों में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जिसकी वजह से 6 घंटे से कम समय में मौत हो सकती है। 6. सास्केल्ड वाइपर। सास्केल्ड वाइपर लगभग पूरे संसार में पाए जाते हैं। यह धरती पर पाए जाने वाले सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में से हैं, लेकिन सास्केल्ड वाइपर की सबसे जहरीली प्रजातियां भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। सास्केल्ड वाइपर लंबाई में छोटा होता है, लेकिन अपनी गुस्सैली, चिड़चिड़ी और अत्यंत आक्रामक प्रवृत्ति और इसकी घातक जहर शक्ति इसे बहुत खतरनाक बना देती है। भारत में सालाना यह लगभग 5,000 मौतों का जिम्मेदार होता है। 7. फिलीपिनी कोबरा। फिलीपिनी कोबरा फिलीपींस के उत्तरी भागों में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक सांप है। फिलीपिनी कोबरा कोबरा की अन्य प्रजाति से कई गुना ज़्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। यह शिकार को 3 मीटर की दूरी से लपक कर काटने की क्षमता रखता है। फिलीपिनी कोबरा के काटने के बाद इंसान 30 मिनट के अंदर मर सकता है। इसके जहर के मुख्य लक्षण तेजी से सिर चकराना, तेज सिर दर्द होना, अत्यधिक उल्टी होना और सांस लेने में परेशानी इत्यादि होते हैं। 8. टाइगर स्नेक। टाइगर सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला बहुत ही ज़्यादा विषैला सांप है। टाइगर सांप में
न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है जिससे शिकार की 30 मिनट से 24 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। टाइगर सांप इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं क्योंकि इंसानों को देखकर यह भाग जाते हैं। टाइगर सांप तभी काटता है जब उसको भागने की कोई जगह न मिले। ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे लंबा, तेज और जहरीला सांप माना जाता है। ब्लैक मांबा की लंबाई लगभग 14 फीट तक होती है और यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। ब्लैक मांबा परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता है। यह इतना आक्रामक होता है कि कुछ ही सेकंड में यह लगातार कई बार काट सकता है। काटने के 15 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। एंटी वेनम बनने से पूर्व इसका काटा कोई भी इंसान बच नहीं सकता था। ब्लैक मांबा खौफ का बादशाह जो भाग भाग कर काटता है। 10. ताइपन। ताइपन सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला दूसरा सबसे विषैला सांप है। ताइपन सांप का रंग अफ्रीका के ब्लैक मांबा की तरह होता है और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके एक बार में छोड़े गए जहर से कम 12,000 सुअर की मौत हो सकती है। ताइपन सांप जहर में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है जो शिकार के शरीर में खून को जमा देता है।